spreading the message say no to corruption. Now I would proudly display some creative initiatives that have been taken by NAB to create awareness in educating society against corruption. And here I'd like to tell you with a lot of pride that the slides that you're going to see, Pakistan has become the first country to come forward and take these initiatives. And inshallah, wo din dur nahi hai. Jab kai dafa to Pakistan kuch buri cheezon ki wajah se, unfortunately, CNN pe kal bhi breaking news aa rahi thi, wo jo Quetta ka incident hua hai. Unfortunately, bahut dafa isi tarah hota hai ki Pakistan buri khabron ki wajah se world mein bahut news mein aata hai. I'm very optimistic ki bahut jald kuch saalon mein puri duniya is cheez ki misaal degi ki Pakistan duniya ka wo pehla mulk tha jahan pe say no to corruption ka blizzard chala. और इट विल कैच द इमेजिनेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, क्योंकि हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये स्लोगन पूरे पाकिस्तान का है और आखिर में ये स्लोगन जो है पूरी दुनिया को कैप्चर करेगा और पूरी वर्ल्ड में ये बात सुनी जाएगी और यकीन की जाएगी कि पाकिस्तान वो मुल्क था जहां ये से नो टू करप्शन का शोर मचा और फिर एक एक जगह पे से नो टू करप्शन लिख दिया गया, क्योंकि आखिर में इस मैसेज ने हम सबको अब्सॉर्ब करना है और सिंक इन करना है. पाकिस्तान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, to issue a postal stamp with the message say no to corruption. Next slide. ये mailing envelope है जी, पाकिस्तान पोस्ट को, जिसका हेल्थ मिनिस्ट्री को परसू किया, पाकिस्तान पोस्ट को कहा कि आए, आप भी आए और आके इस जंग में हमारे साथ शामिल हो, कोलेबरेट करें और आप भी अपना हक जो है अपने कंट्री को अदा करें. तो जितने mailing envelopes हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर लिख दिया गया है say no to corruption. ये ड्राइविंग लाइसेंसेस है जी, पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिनके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा गया है से नो टू करप्शन. शुरू में ये सबसे पहले जो हमारा ग्रेटफुल है हम, वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शुरू में हमारा साथ दिया और उन्होंने इसके इनिशिएटिव को एक साल पहले इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद फिर हमने सारे प्रोविंसेस को लिखा कि आप क्यों पीछे रह रहे हैं, आप भी आए और इस जंग में शामिल हो. अब आप देखें कि बाकी सारे रीजन्स ने भी से नो टू करप्शन लिखना शुरू कर दिया. नेक्स्ट स्लाइड. ये वॉक कराई थी अराउंड अ ईयर बैक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी, द चेयरमैन नैब, द चेयरमैन एचईसी, एम्बेसडर ऑफ चाइना, स्कूल स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, दे ऑल टुक पार्ट इन दिस वॉक से नो टू करप्शन. ये पिक्चर जो है ये दुनिया के काफी अखबारात में छपी, हमारे नेबरिंग कंट्री में भी छपी और वहां पे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान के लीडर अगर आ सकते हैं से नो टू करप्शन तो हमारा कंट्री क्यों पीछे है. सो दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक थिंग दैट हैपेंड. नेक्स्ट स्लाइड. पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्स टीम इन द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज से नो टू करप्शन. दिस पिक्चर वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन ऑल द क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज एंड दे ऑल क्रिटिसाइज देयर ओन पीपल दैट वाई पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीम वॉज द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू कैरी दिस मैसेज से नो टू करप्शन. Next slide. Now we talk of the hockey team. The hockey team has also joined this war and is helping us spread the message say no to corruption, because hockey is the national game of our country. So it is important that this message is carried to grassroots. So they are also part of this campaign. Next slide. This is really important, ladies and gentlemen. This is our pride. Pakistan is the first country in the world jisne ek story book banayi hai. Yahan pe bhi dekh le, udhar bhi dekh le, mere haath mein bhi hai. गोगी सेज नो टू करप्शन, और उर्दू में है गोगी करप्शन से इनकार करती है. ये गोगी जो है ये बड़ा फेमस एक कार्टून कैरेक्टर है. तो कुछ अर्से पहले हमें एक आइडिया आया कि कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो करप्शन से बचपन से हेट करने लग जाए. हर माँ जो है वो बचपन में अपने बच्चों को, मैं जब छोटी थी तो सब मेरी मदर जो है मुझे सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती थी, स्नो वाइट की स्टोरी सुनाती थी. तो मैं पूरा दिन जो है वेट करती थी कि वेन माई मदर विल कम एंड टेल मी अ स्टोरी. तो वी थॉट कि कोई ऐसी स्टोरी बुक बनाए जो कि बच्चे और माए दोनों के लिए एक बड़ा यूजफुल हो. तो आर्ची, जिसका आर्ची कॉमिक्स है, इसका गोगी पाकिस्तान का बड़ा फेमस एक चिल्ड्रन कैरेक्टर है. तो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को रिक्वेस्ट की कि आप इस स्टोरी बुक को स्पॉन्सर करें, और निगार नजर जो कि गोगी कैरेक्टर का लिखती है उनको हमने कॉन्सेप्ट बताया. और कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है जो, जिस बात का हमें बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान में एक आदमी जो है वो बहुत अंडर प्रेशर रहता है. पाकिस्तानी मैन इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो आजकल हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है सर, वो ये है कि हम ख्वातीन और बच्चों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. उनको बता रहे हैं कि भाई आप ये ना सोचें कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है करप्शन से.
अनइंटेंशनली मासूमियत में करप्शन को बढ़ाने में आप लोग बहुत बड़ा किरदार अदा करें। इस वजह से मैं बहुत सी हाउसवाइफ्स का सेशन करती हूँ, लेक्चर्स देने जाती हूँ, स्कूलों में जा रही हूँ, यूनिवर्सिटीज में, कि आप जब अपने फादर्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, अपने हस्बैंड्स को प्रेशराइज करते हैं, हम वाइफ्स जो है अपने हस्बैंड्स को अक्सर ये आदतन ये बात बोल देती हैं कि जी नेबर्स हैव अ बिग कार, व्हाई डू यू हैव अ स्मॉल कार, माय फ्रेंड हैज अ लेटेस्ट पर्स वर्थ 1 लाख, यू डोंट बाय मी एक्सपेंसिव पर्स। अक्सर ये बात हो जाती है कि कॉम्पिटिशन हो रहा है, जी उन्होंने इतना बड़ा घर बना लिया तो आपने, तो हम वाइफ्स को खासतौर पर इंकरेज करें कि टेक प्राइड इन योर ऑनेस्ट हस्बैंड्स, और आप अपने हस्बैंड को इनकरेज करें, आप अपने हस्बैंड्स को कहें कि जी हमें एक ईमानदार आदमी जो है वो हमारा हीरो होगा, आप घर में हक हलाल के पैसे लाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात हो, चाहे उसमें हमें रोज दाल ही खानी पड़े। बच्चों को भी साथ समझाने की कोशिश करें कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन्स होंगे और 10,000 का जॉगर, क्योंकि बाटा का 1,000 का जॉगर भी उतना ही कंफर्टेबल होता है। तो चिल्ड्रन एंड वाइफ्स आर बीइंग टोल्ड कि डू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर फादर्स एंड योर हस्बैंड्स, बिकॉज बाय योर एक्ट द फादर्स एंड हस्बैंड एट टाइम्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर एमनेटिंग फ्रॉम होम एंड अप इंडल्जिंग इन रॉन्ग डूइंग्स टू मेक द वाइफ एंड चिल्ड्रन हैप्पी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये है कि 50% करप्शन हमारे कंट्री में इसी वक्त खत्म हो सकती है अगर वाइफ्स और चिल्ड्रन अपने हस्बैंड्स और फादर्स को रिस्पेक्ट देने दें और उनको ये कहें कि जी हमें बिल्कुल मनी से इंटरेस्ट नहीं है, हम इस बात पे सिर्फ आपसे खुश हैं कि आप दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग आदमी बन जाएं और आप दुनिया के सबसे ऑनेस्ट आदमी बन जाएं, उसके बदले में चाहे हमारे पास सिर्फ 2 जोड़े हों पूरे जिंदगी पहनने के लिए, लेकिन हम इज्जत आपकी उस सूरत में करेंगे। अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं तो आप आगे आए और आप ये एक कलरिंग बुक बनाएं जिसमें हमने अच्छा कलर करेगा उसको कलरिंग के साथ साथ ये उसके अंदर ऑब्जॉर्ब होगा कि करप्शन की एक साइकोलॉजिकल तरीके से हमने ये बुक बनाई है। इसकी स्पॉन्सरशिप जायका ने की है क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि से नो टू करप्शन का ये जो हम काम करें इसमें कोई पैसे खर्च ना हो जिस जगह, क्योंकि इसी तरह ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज अपना हक अदा कर सकती है। तो ज्यादातर स्पॉन्सरशिप कोशिश करते हैं कि जिस तरह ये जायका ने स्पॉन्सर किया है, और द रियल रीजन इज सर दैट द चिल्ड्रन मस्ट स्टार्ट डिस्पाइजिंग द एक्ट ऑफ करप्शन फ्रॉम चाइल्डहुड। द चिल्ड्रन मस्ट, क्योंकि बच्चों को हम एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि आप सब अपने अपने घरों में आप चेयरमैन नैब बन जाए, वाइफ को ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों में चेयरमैन नैब, क्योंकि आप ही ने इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं कि अगर कोई आपको लग रहा है कि रॉन्ग डूइंग हो रही है तो यू शुड विद फुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर डू क्वेश्चन योर पेरेंट्स दैट व्हाई दिस रॉन्ग थिंग इज हैपनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जी पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क है लेडीज एंड जेंटलमैन जिसकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर लिखा है से नो टू करप्शन और गैस के बिल्स पे लिखा है से नो टू करप्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अ हिस्ट्री मेकिंग थिंग जी, और ये भी इंशाल्लाह पूरा वर्ल्ड इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी मिसाल देगा। अभी साक की कॉन्फ्रेंस कराई थी हमारे चेयरमैन नैब कमर समान चौधरी साहब ने, तो वहां भी हमने फखर से ये सब चीजें दिखाई और ये खास तौर पे देख के वो बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान में इस किस्म के नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री सर इन द वर्ल्ड जिसके एटीएम मशीन्स के ऊपर लिखा है से नो टू करप्शन। ये जी एयरपोर्ट्स, जितनी जो पब्लिक है उसकी मूवमेंट मैक्सिमम हो रही होती है एयरपोर्ट से, तो हमने सोचा कि हम किस तरह से ये मैसेज हर पाकिस्तानी तक बार बार पहुंचा सकें। तो वी केम अप विद दिस आइडिया कि जितनी एयरपोर्ट की स्क्रीन्स हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट्स, उनकी स्क्रीन्स के ऊपर नीचे लिख दिया गया है से नो टू करप्शन, और उर्दू में उनके नीचे लिखा आ रहा है करप्शन से इनकार करें। उसके बाद फिर हमने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज को इन्वॉल्व करते हैं कि पाकिस्तान के जितने रेलवे टिकट्स हैं, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो ज्यादा ट्रेनों पे सफर कर रहा है, कि ट्रेन के टिकट के ऊपर लिखते हैं से नो टू करप्शन। इसकी मिसाल भी आपको दुनिया में कहीं मिले, आखिर में फिर सुनाएंगे से नो टू करप्शन, वो गाना भी सर सिनेमा हॉल्स में चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आईडी कार्ड्स हैं, इसके लिए हमने चेयरमैन नादरा को रिक्वेस्ट की कि आप आईडी कार्ड्स के ऊपर लिखते हैं से नो टू करप्शन, तो उन्होंने फिर हमें एक्सप्लेन किया कि वो बड़ा लंबा लेंथी प्रोसीजर होगा क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी होगी। तो उसके लिए अब ये किया है कि जो कैरियर पेपर है आईडी कार्ड का उसके साइड पे लिखा जाता है से नो टू करप्शन। ये जी हमने काफी न्यूज़पेपर्स को लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ अर्से पहले हमने पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर्स को लिखा कि आप हर न्यूज़पेपर के सामने लिखते फॉर अ लाइफ टाइम से नो टू करप्शन, और उसको फिर परसू करना शुरू किया। उसमें अच्छी ये चीज हुई है कि डॉन जो कि इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट रिनाउंड और मोस्ट रेड न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये किया है कि हर 2 मंथ्स के बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये एड जो है उनके अखबार में लगता है। उसके बाद अगर आप में से कोई बलूचिस्तान से है तो उसके लिए मेरी तरफ से थैंक यू, स्पेशल थैंक यू, क्योंकि बलूचिस्तान फर्स्ट आ गया है।
बलूचिस्तान ने हमारा ये प्रपोजल माना है और बलूचिस्तान के जितने अखबारात हैं उनके सबसे ऊपर सामने लिखा जाता है से नो टू करप्शन। ये इंडिपेंडेंट अखबार देख रहे हैं आप बलूचिस्तान का। नेक्स्ट ये बलूचिस्तान एक्सप्रेस है, इसके सामने भी फॉर अ लाइफ टाइम लिखा जा रहा है से नो टू करप्शन। और बहुत से बलूचिस्तान के उर्दू के अखबार हैं जिनके ऊपर लिखा जा रहा है करप्शन से इनकार करें। ये जी वुमन पावर अगेंस्ट करप्शन कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ आर कंट्री, ये इस वक्त हमारा कॉन्सेप्ट है। इस सारा फोकस इस वक्त ये है अकाउंटेबिलिटी बिगिंस एट होम एंड एज आई सेड कि मदर्स वुमेन ऑफ यूनिवर्सिटीज आई टेल देम यू आर द फ्यूचर मदर्स एंड हाउसवाइव्स। आई गो टू प्रेजेंट करंट मदर्स हु आर हाउसवाइव्स दैट यू हैव द रियल रोल टू प्ले। आई बीन टॉकिंग टू मदर्स, आई बीन टेलिंग मदर्स के जब आप सोने से पहले बच्चे के पास जाएं उससे बहुत सी बातें करें लेकिन साथ उससे ये वादा ले लें कि माई डियर सन माई डियर डॉटर यू हैव टू लव पाकिस्तान, you have to grow up to be a great man, a successful man, an honest man, and you promise me that I'll only be proud of you not because you'll have a Mercedes car. I will be proud of you if you say no to corruption and you become a world champion in honesty. Same goes for housewives. ke abhi jaisa maine jo baat aapse ki thi ke housewives ko baar baar ye batana bahut zaruri hai sir, aur main abhi tak jitni housewives se meri baat hui hai उन सब ने बहुत इस चीज को अप्रिशिएट किया बिकॉज दे सेड कि उनसे अनइंटेंशनली ये बात वो होती है। अब जो वो रियलाइज करने लगे हैं कि उनके अनइंटेंशनल एक्ट से जिसमें वो प्रेशराइज कई दफा अपने हस्बैंड्स को कर रही होती हैं ये काम हो सकता है कि उनके हस्बैंड करप्शन करें, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को रियलाइज करती हैं। दे फील कि यस वी हैव टू स्टॉप दिस, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट द वुमेन हैव टू ब्रिंग द चेंज फ्रॉम होम। एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ पर्सनल एफर्ट टू गो टू ऑल द वुमेन यूनिवर्सिटीज and talk to them about this. Next slide. Now this comes to a very important part of my presentation. This is a question that is often being asked and I'm sure at the end of the presentation all of you were getting ready to ask me ke ji isse kya hota hai, aap sara din say no to corruption karne se kya hota hai, accountability honi chahiye, logon ko pakde, sabko jail mein band kare. Bilkul aap sahi keh rahe hain ki wo bahut zaruri hai. तो एक मेरी लाइफ का एक पर्सनल इंसिडेंट है जो मैं आपको ये साथ अब शेयर करूंगी क्योंकि आपको कन्विंस करना है, मुझे खुद भी बहुत जरूरी था कन्विंस होना। तो आज से कुछ साल पहले जब ये से नो टू करप्शन का कैंपेन स्टार्ट हुआ तो एक आइडिया आया और चेयरमैन नैब ने बहुत इनकरेज किया कि यस गो एंड डू। जब आप पार्क में वॉक करने जाते हैं तो या असर की अजान हो जाती है या मगरिब की अजान हो जाती है, तो उस टाइम पे फिर यही होता है कि आप नमाज को ब्रेक वॉक को ब्रेक कर लें और आप नमाज पढ़ लें। तो इसी तरह एक दिन था कि मैं वॉक कर रही थी तो अजान हुई, जब अजान हुई तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कार की तरफ जाऊं और जाके जान नमाज निकाल के फर्ज नमाज पढ़ के और फिर अपनी वॉक शुरू कर दूं। लेकिन उस दिन थोड़ा अजीब दिन था कि जब मैं वॉक खत्म करके कार की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि चार लड़के हैं जिनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की है और वो आपस में बहुत बुरी तरह से फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। एंड इट्स एन अंडरस्टेटमेंट, लड़ाई कहना बहुत अंडरस्टेटमेंट है। वो एक दूसरे को बिल्कुल इंजर कर चुके थे। उनमें से एक लड़का था जिसकी शर्ट पूरी तरह फटी हुई थी और ब्लीडिंग हो रही थी और एक लड़के के हाथ पे ईंट थी और वो दूसरे के ऊपर एक ईंट मार चुका था, दूसरी मारने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, आई हैव नेवर हर्ड सच अब्यूसेस, और इतनी गालियां एक दूसरे को दे रहे थे। मेरे जहन में बहुत सी बातें आ रही थी जो मैं अपनी कार की तरफ चलती हुई जा रही थी। मेरे जहन में यह आ रहा था कि इनकी मदर्स को अगर पता चल गया कि बच्चे एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफ पहुंचेगी। फिर मेरे जहन में यह भी आया कि ये बच्चे अपने आप को एक दूसरे को इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दें कि खुदा ना खास्ता उनकी लाइफ डेंजर में पड़ जाए। इन ख्यालात के साथ मैंने जब जानमाज निकाल के लगाई तो तीसरी चीज ये हुई कि मैंने जानमाज उनके मोटरसाइकिलों के साथ लगाई। तो नमाज शुरू करते वक्त एक टेंशन ये थी कि कोई ईंट मेरे सर पे ना लग जाए, एक ये टेंशन थी कि कोई मोटरसाइकिल मेरे ऊपर ना गिर जाए। इसी कश्मकश में, इसी कंफ्यूजन में मैं खड़ी तो हो गई और नमाज शुरू की। जब नमाज का बिल्कुल 10 सेकंड गुजरे तो मैंने क्या फील किया कि सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई एकदम से। आई टोल्ड माई सेल्फ फोकस फोकस आलिया इट्स ओके, लेकिन जहन में यह आ रहा कि खामोशी क्यों हो गई है। लेकिन 5 सेकंड के बाद मुझे आवाज आती है, एक लड़का जो बिल्कुल जुनून की कैफियत था, जुनून के आलम में था और ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे को कोई तकलीफ पहुंचा देगा और बिल्कुल उनको होश नहीं था। तो होता यह कि एक लड़का जो है वो दूसरे लड़के को कहता है ओए यार रुक जाओ, ओए यार रुक जाओ, आंटी नमाज पढ़ी है, सामने से ना गुजरना। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज द मोमेंट ऑफ अवेकनिंग फॉर मी। मैंने उसी वक्त दिल में यह सोचा, मैंने सोचा कि इन बच्चों को बचपन से नानियों दादियों ने यह बात बार बार नहीं रखी थी
कि आपस में लड़ाई नहीं करना, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो, अगर कोई बदतमीजी करे भी, लड़ाई करे भी, तो दरगुजर कर दो। नानी दादियों ने ये बात भी बार बार हैमर नहीं की थी कि भाई अगर अजान हो तो फौरन सब काम छोड़ के नमाज पढ़ना। नानी दादियों ने एक बात जो बार बार सिखाई थी कि चाहे जो हो जाए, कोई नमाज पढ़ा हो तो सामने से ना गुजरना। तो वो लम्हा था वेकनिंग का, उसके बाद सोचा कि अब नहीं रुकना, अब चाहे जो हो जाए, हर सांस में से नो टू करप्शन, क्योंकि कल को यही 15-16 साल के जो हमारा यूथ है, वो एक बच्चा दूसरे को कहेगा, ओ यार रुक जाओ, से नो टू करप्शन, पाकिस्तान मेरी माँ है, मर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इस मैसेज को हमने बार बार हैमर करना कि हर पाकिस्तानी जिधर जाए उसको ये देखने में मिले कि क्योंकि हमारी यूथ हमारा फ्यूचर जनरेशन है, और उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करनी है। आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि आप लोग ओनर्स हो। टोबैको, सिगरेट पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल, एडल्ट पीपल आर स्मोकिंग। इनफैक्ट आई हैव सीन 20-21 ईयर ओल्ड बॉयज। और मेडिसिन तो खैर हर दुनिया का इंसान जो है वो सारा दिन मेडिसिन ही ले रहा होता है। तो मेडिसिन और सिगरेट बॉक्सेस पे अगर से नो टू करप्शन लिखा जाएगा तो यही चीज जो है सिंक इन होके हमारे वेन्स में चली जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड। एंड दिस इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। सर, इज इट पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, वुड यू वांट मी टू कंटिन्यू? और आप बिल्कुल चले नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ इंटरेक्शन थोड़ा सा हो ना, ताकि जरा वहां से भी कुछ आए। सो आई एंड माई प्रेजेंटेशन हियर। दिस इज अ वेरी टेक्निकल साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, वॉट वी आर डूइंग अबाउट प्रिवेंशन, बट आई कैन रीड आउट क्विकली, आई वोंट गो इन डिटेल्स। Stopping the corruption from happening through a mechanism of timely intervention by ANP division and its regional wings. Annual work plan needs to be drawn up, and regulators and departments who will be evaluated under prevention areas need to be listed in order of priority. It is important that we initially examine and study the prevailing system of public sector departments in close harmony with the stakeholders. Stakeholders' participation in the study for reformation of the system is the key for change. It is emphasized that NAB will neither assume the role of a regulator nor involve into governance and operational functions. Rather, under prevention regime, it will strengthen the regulatory mechanism of federal and provincial governments for transparency, ensuring merit, fair play and compliance of relevant laws and rules. Under Section 33 C, D and E, Chairman NAB is empowered to constitute prevention committees to examine rules and regulations of ministries, divisions and departments to suggest measures to combat corruption and corrupt practices. Prevention is to stop the act of corruption before it happens. NAB intervenes in the area of about to happen. Under prevention regime, prevention committees are constituted and laws, rules and procedures of government departments are examined by the committees. Accordingly,